देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास की गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, कक्षा 10वीं क्लास की गणित की अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को आज यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, NCERT की हमारी बुक है, MP बोर्ड, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड में चलती है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सवाल हर परीक्षा में आते हैं। पेपर में आपको सवाल पूछेगा, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करो। आपको एक समीकरण दिया रहेगा और क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, इसके मूल ज्ञात करना है, इसको हल करना है। किस विधि के माध्यम से हल करना है, गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करना है, इसको हल करना है। तो पहला सवाल यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। पहला समीकरण क्या दिया है, एक्स की घात 3 माइनस 3x ऋण 10 बराबर कितना है, 0। यही दिया है पहला समीकरण, दिया है कि नहीं दिया है, एक्स की घात 3 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 दिया है पहला समीकरण। चलो, एक्स की घात 3 नहीं, एक्स की घात 2 है, एक्स की घात कितना है, 2। ठीक है, अब देखो एक्स की घात 2 को जाएगा, एक्स की घात 2 ऋण 10 का होगा, ऋण का 10। 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 3 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। 5 और 2, 5 में से 2 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 का कितना बचेगा, और 5 और 2 का गुणा करो, 5 दो कितना होगा, 10 होगा, लास्ट वाली संख्या। ऐसा दिमाग लगाओ कि दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर लास्ट वाला 10 आए। तो 3x को हम लिख सकते हैं 5x और 2x, बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा देंगे और छोटी के सामने धन लगा देंगे। जब एक संख्या ऋण वाली होगी और एक संख्या धन वाली होगी तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी। 5x में से 2x घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 3x। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा, ऋण का आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना है, 0। बराबर है 0 यहाँ पे। अब इन दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए x। 2x में से 1x निकल गया, कितने x बचेंगे, 1x। माइनस का 2x में से 1x निकल गया, 1x बचे, माइनस का माइनस। 5x में से x निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 2 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी है। इन दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे हम, 2 कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ कितना बचेगा, x माइनस। 10 में से 2 बाहर निकला, 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 × 5 = 10, और बराबर यहाँ पर कितना है, 0 है 0। अब x ऋण 5 यहाँ भी, x ऋण 5 यहाँ भी, दोनों के पास से हम कॉमन निकालेंगे x ऋण 5। x ऋण 5 बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ से भी x ऋण 5 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और बराबर यहाँ पर कितना है, 0 है 0। एक बार इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। ये कितना लिखा है यहाँ पर आपका, x ऋण 5 बराबर 0 तथा ये कितना लिखा है यहाँ पर, x धन 2 बराबर 0। x का हो गया x, बराबर किस तरफ, 5 ऋण का है, उस तरफ जाएगा 5 का आगे हो जाएगा धन का, तथा x का हो गया x, बराबर किस तरफ, 2 धन का है, उस तरफ जाएगा 2 का आगे हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर। अतः समीकरण के मूल क्या है, समीकरण का पहला मूल है 5 और दूसरा क्या है, ऋण का 2। तो यहाँ लिख लेंगे हम, अतः समीकरण के मूल क्या है, पहला x बराबर, पहला 5 है और कॉमन दूसरा क्या, ऋण का 2, और यही हो गया आंसर। उतार लेंगे इसको, देखोगे अब यहाँ पर पहले का दूसरा सवाल भी हल करेंगे यहाँ पर हम, पहले का दूसरा, और पहले का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर पढ़ोगे क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या लिखा है यहाँ पर सवाल हमारा, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर कितना है, 0, ये लिखा है। इसको हल करके ज्ञात करना है, ये एग्जाम्पल में कर ली हमने, देखो अब जैसे लग रहा है 4x और 3x के रूप में तोड़ के, चलो देख लो है ना, 2x की घात 2 धन 1 ऋण 6 बराबर 0। 2x की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 ऋण 6 का हो जाएगा, ऋण का 6। 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 1x आए,
और गुणा करने पर कितना आए? देखो, बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो कितना आए? x आए। और दोनों का गुणा करें तो वही संख्या आए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है। दो छिंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 दो छिंग कितना हो जाएगा? 12। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर कितना आए? 12। और जोड़े घटाने पर कितना आए? 1x। तो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? 4x और 3x। 4 में से 3 गए, कितना बचा? 1 बचा। और 4 में 3 का गुणा करोगे तो 4 थी कितना आया? यहाँ पर भी दो छिंग कितना है? 12। तो गुणा करने पर 12 आया। तो x को हम तोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या x को हम तोड़ लेंगे 4x और 3x के रूप में, माइनस 6 का माइनस 6। यहाँ पर धन लगा तो बड़ी संख्या के सामने धन और छोटी के सामने ऋण। 4x में से 3x गया, एक ही x से बचा, और गुणा करोगे तो 4 तिया 12। और दो छिंग भी कितना है? 12। मतलब इनका गुणा करने पर वही आना चाहिए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आए। 4 तिया 12 और दो छिंग भी कितना होता है? 12। अब बराबर 0 हो गया, बराबर 0। एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर है और दो के पहाड़े में 4 भी आता है। तो दोनों के पास से हमने कॉमन निकाल लिए, 2x कॉमन निकाल लिए। यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और 2x में से 1x बाहर निकल गया तो कितने x बचेंगे? एक ही x प्लस 4x है। यहाँ से 2 बाहर निकल गया, 2 का पहाड़ा सा बढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, 2 × 4 यहाँ से 1 से बाहर निकल गया तो कुछ बचेगा क्या यहाँ पर? नहीं बचेगा। इसके बाद ऋण यहाँ पर भी है, ऋण यहाँ पर भी, दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए ऋण। यहाँ 3 और यहाँ पर कितना है? 6। इन दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे 3। यहाँ से ऋण 3 कॉमन निकला, सिर्फ कितना बचेगा? x। ऋण कॉमन निकालते अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं, ऋण वाला धन का और ऋण वाला भी काय का? धन का। 3 का सा बढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 3 × 3 और 3 × 2 = 6। कितने बार गया? 2 बार। और बराबर यहाँ पर कितना है? 0 है। x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल जाएगा? x प्लस 2। x प्लस 2 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? 2x। x प्लस 2 बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचेगा ऋण का? 3। और बराबर यहाँ पर कितना है? 0 है। एक बार इसके बराबर भी 0, एक बार इसके बराबर भी 0। एक बार किसके बराबर ले लेंगे यहाँ पर? x प्लस 2 के बराबर 0। और कोमा एक बार किसके बराबर? 2x ऋण 3 बराबर भी 0। एक बार x प्लस 2 के बराबर भी 0 और एक बार इसके बराबर भी 0। यहाँ से x का मान निकालोगे, x बराबर, बराबर किस तरफ? 2 धन का है, उस तरफ जाके 2 काय का हो जाएगा? ऋण का। 2x का हो गया 2x। बराबर किस तरफ? 3 ऋण का है, उस तरफ जाके 3 काय का हो जाएगा? धन का। x का हो गया x बराबर, ऋण 2 का ऋण का 2। x का मान निकालेंगे, 3 का हो गया 3, इस तरफ 2 गुणे में है, इस तरफ 2 काय में जाएगा? बटे में। और यही हो गया आपका आंसर, उतार लो इसको ना। देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर करणी 2x की घात 2 धन 7x धन 5 करणी 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड याद करना है। तो तीसरे को यहाँ पर क्या करेंगे? हम हल करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर आपका? ये करणी 2x की घात 2 धन, ये कितना है? 7x धन कितना है? 5 करणी 2 बराबर 0 है, 0। यहाँ शुरू में लिखा है क्या? करणी 2x की घात 2, और लास्ट में कितना लिखा है? 5 करणी 2 बराबर 0। बीच वाले 7 को, बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर कितना है? 7 आए, और गुणा करने पर क्या है जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आ रहा है? करो वाला गुणा करने पर क्या आ रहा है? करणी 2 और 5 करणी 2 को गुणा करो, करणी 2 और 5 करणी 2 का क्या कर दो? गुणा। 5 का हो गया 5, करणी 2 इंटू करणी 2, करणी 2 की घात 2, वर्ग से करणी काट गया, 5 × 2 = 10। शुरू वाला और लास्ट वाले गुणा करने पर 10 आया, तो 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? 7, और गुणा करने पर कितना आए? 10 आए। तो 7 के दो भाग कौन कौन से करेंगे? 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7 आएगा। और 5 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 = 10 आएगा, और इसका इसका गुणा करने पर भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, इसीलिए ठीक है। तो 7x को हम लिख सकते हैं 5x धन 2x, लिख सकते हैं 5x धन 2x। अब यहां से क्या कॉमन निकालोगे देखोगे, x यहां पर भी है
एक्स यहाँ पर भी दोनों के पास से क्या निकल गया एक्स, करनी दो का बचा यहाँ पर करनी दो, दो एक्स में से एक एक्स निकल गया, कितने एक्स बचेंगे प्लस एक्स बाहर निकल गया सिर्फ कितना बचेगा पाँच, ठीक है प्लस का हो गया प्लस। दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को हम लिख सकते हैं करनी दो इंटू करनी दो, कोई करनी दो इंटू करनी दो, करनी दो की घात दो होगा वर्ग से करनी कटेगी सिर्फ कितना बचेगा दो बचेगा, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को हम करनी दो इंटू करनी दो करके लिख सकते हैं। दो को हम क्या लिख सकते हैं करनी दो इंटू करनी दो, प्लस का हो गया प्लस, पाँच करनी दो को जाएगा पाँच करनी दो और बराबर यहाँ पर कितना है जीरो है। एक्स का हो जाएगा एक्स यहाँ बचा करनी दो एक्स प्लस पाँच प्लस, और यहाँ एक्स लिखना भूल गया ना, दो को लिख दी करनी दो इंटू करनी दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब करनी दो यहाँ पर भी और करनी दो यहाँ पर भी है, दोनों पास से क्या निकाल लिया हमने कॉमन करनी दो, यहाँ से करनी दो बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा करनी दो बचेगा और एक्स का हो गया एक्स प्लस, यहाँ से करनी दो बाहर निकला तो सिर्फ कितना बचेगा पाँच बचेगा और बराबर यहाँ पर कितना है जीरो है बराबर जीरो। अब करनी दो एक्स प्लस पाँच यहाँ पर भी है, करनी दो एक्स प्लस पाँच यहाँ पर भी है, दोनों पास से कॉमन निकालोगे करनी दो एक्स प्लस पाँच, करनी दो एक्स प्लस पाँच बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा एक्स, करनी दो एक्स प्लस पाँच बाहर निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का करनी दो और बराबर यहाँ पर कितना है जीरो, एक बार इसके बराबर भी जीरो एक बार इसके बराबर भी जीरो, यहाँ लिख लेंगे हम क्या करनी दो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो और यहाँ क्या लिख लोगे एक्स प्लस करनी दो बराबर जीरो, एक्स का मान निकालोगे तो करनी दो को जाएगा करनी दो, एक्स का हो गया एक्स बराबर किस तरफ पाँच धन का है उस तरफ पाँच का हो जाएगा ऋण का, एक्स का हो गया एक्स बराबर किस तरफ करनी दो धन का है उस तरफ करनी दो काय का हो जाएगा ऋण का, एक्स का मान निकालोगे एक्स बराबर ऋण पाँच का ऋण का पाँच बराबर किस तरफ करनी दो गुणा में है इस तरफ करनी दो काय में आएगा बटे में, एक्स बराबर ऋण करनी दो का ऋण करनी दो, यही क्या हो गया आंसर, उतार लो उसको। यहाँ पर आप देख सकते हो अगला सवाल बोल रहा है दो एक्स की घात दो ऋण एक्स धन एक बटे आठ बराबर जीरो, इसमें भी आपको क्या याद करना समीकरण के मूल याद करना है, यहाँ पर हम क्या डालेंगे हल डालेंगे, क्या लिखा है समीकरण दो एक्स की घात दो ऋण एक्स धन एक बटे आठ बराबर कितना है जीरो है बराबर जीरो, इसके बटे में कुछ ने क्या मान लिए एक, इसके बटे में कुछ ने क्या मान लिए एक, आठ एक एक का लघुतम कितना जाएगा आठ, एक का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि आठ से आगे ना बढ़े, एक अट्ठे आठ, आठ बार गया गया आठ बार गया उस आठ का गुणा ऊपर वाले से करो, आठ दूनी एक्स की घात दो का एक्स की घात दो माइनस का, एक का पहाड़ा से पढ़ो आठ से आगे ना बढ़े, एक अट्ठे एक का पहाड़ा से पढ़ो आठ से आगे ना बढ़े, एक अट्ठे आठ बार गया उस आठ का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो, आठ इंटू एक्स बराबर हो गया आठ एक्स प्लस का हो गया प्लस, आठ का ऐसा पढ़ो आठ से आगे ना बढ़े, आठ एक कम एक बार गया एक का गुणा एक में करो, एक एक कम बराबर कितना जीरो, बराबर किस तरफ आठ भाग में है उस तरफ गुणे में होगा, आठ शून्य में कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं सोलह एक्स की घात दो माइनस आठ एक्स प्लस वन बराबर जीरो, लिख सकते हैं सोलह एक कम सोलह हो जाएगा। अब सोलह एक्स की घात दो का हो जाएगा सोलह एक्स की घात दो, आठ एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना है आठ एक्स और गुणा करने पर क्या है भाई संख्या आए जो कि शुरू वाले और लास्ट वाले गुणा करने पर आता है, सोलह एक कम सोलह है ना, तो दो भाग कौन कौन से होंगे इसके चार और चार, चार और चार कितने जाएंगे आठ और चार चौ सोलह और सोलह एक कम भी कितना सोलह, तो आठ एक्स के दो भाग हो जाएंगे आपके चार एक्स और चार एक्स, यहाँ भी ऋण प्लस का हो गया वन बराबर जीरो, क्यों करें हमने ऐसा क्योंकि आठ एक्स के भाग दो भागों के चार एक्स चार एक्स चार एक्स भी ऋण का चार एक्स भी ऋण का ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है चिन्ह काय का आता है ऋण का, चार एक्स और चार एक्स कितना हो जाएगा आठ एक्स हो गया आठ एक्स और चार चौ सोलह और सोलह एक कम भी कितना हो रहा है सोलह, अब इन दोनों पाँच से कॉमन निकल जाएगा चार एक्स कॉमन निकल जाएगा, सोलह में से चार कॉमन निकाले कितना बचेगा चार का पहाड़ से पढ़ेंगे सोलह से आगे ना बढ़े तो चार चौ सोलह, दो एक्स में से एक एक्स निकाल गया कितने एक्स बचेंगे माइनस, यहाँ से चार एक्स कॉमन निकाले सिर्फ कितना बचेगा एक,
चार एक्स कॉमन निकाल से कितना बचेगा एक। अब इन दोनों पांच से हमने ऋण का एक कॉमन निकाल लिए। जब कभी भी ऋण कॉमन निकालोगे चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। ऋण वाला काय का हो जाएगा धन का, चार एक्स का हो गया चार एक्स, धन वाला काय का ऋण का, एक का हो गया एक, तो बराबर कितना है जीरो। चार एक्स ऋण एक यहाँ पर भी और चार एक्स ऋण एक यहाँ पर भी है, दोनों पांच से का कॉमन निकल जाएगा चार एक्स ऋण एक, यहाँ पर चार एक्स ऋण एक बाहर निकल गया, यहाँ से कितना बचेगा चार एक्स, यहाँ चार एक्स ऋण एक कॉमन निकल गया, यहाँ कितना बचेगा ऋण का एक, और बराबर कितना है जीरो। एक बार चार एक्स ऋण एक बराबर ले लेंगे जीरो, एक बार चार एक्स ऋण एक बराबर के ले लेंगे जीरो, यहाँ हो जाएगा चार एक्स ऋण एक बराबर हो गया जीरो, तथा यहाँ हो जाएगा चार एक्स ऋण एक बराबर जीरो। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, चार एक्स बराबर किस तरफ एक ऋण का है, उस तरफ एक काय का हो जाएगा धन का, तथा चार एक्स का हो गया चार एक्स बराबर किस तरफ एक ऋण का है, उस तरफ एक काय का हो जाएगा धन का। इसके बाद एक्स का हो गया एक्स, एक का हो गया एक, इस तरफ चार एक्स के गुणे में अक्षांत करेंगे काय में आएगा बटे में, तथा एक्स का हो गया एक्स, एक का हो गया एक बराबर किस तरफ चार गुणे में, इस तरफ चार काय में आएगा बटे में, तो एक्स बराबर पहला मूल हो गया एक बटे चार और दूसरा मूल भी हो गया एक बटे चार, यही हो गया आपका आंसर। उतार लो उसको, समझ में आएगी नहीं पहले उतारो ईमानदारी से। देखो यहाँ पे देखो पांचवें सवाल क्या बोल रहा है, सौ एक्स की घात दो ऋण बीस एक्स धन एक बराबर जीरो, इसको हल करना है। ये कितना लिखा है, सौ एक्स की घात दो ऋण बीस एक्स धन एक बराबर जीरो, ठीक है। अब सौ एक्स की घात दो हो जाएगा, यहाँ पर सौ एक्स की घात धन एक का हो गया धन का एक बराबर कितना हो गया जीरो। बीस एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना है बीस, और गुणा करने पर कितना है भाई संख्या आए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है, दस एक सौ एक कम सौ, सौ एक कम कितना हो गया सौ, तो गुणा करने पर कितना आए सौ आए, ठीक है। यहाँ पर शुरू में सौ लिखा है, यहाँ पर एक ही लिखा है, तो सौ एक कम कितना हो गया सौ, हो गया सौ। तो बीस को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर बीस आए और गुणा करने पर कितना आए सौ, तो क्यों होंगे दस और दस, दस और दस को जोड़ोगे कितना हो जाएगा दस और दस बीस, और दस धाम कितना हो जाएगा सौ। तो बीस एक्स को हम लिख सकते हैं दस एक्स और दस एक्स, ये भी ऋण का ये भी ऋण का, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है ऋण का आता है, ठीक है। और दस दाम हो जाएगा सौ और सौ एक कम भी हो जाएगा सौ, इन दोनों पांच से कॉमन निकालोगे दस एक्स। अब सौ में से दस कॉमन निकाली, दस का पहाड़ा सब बड़ा सोच से आगे ना बढ़े, दस दाम सौ, दस बार गया भाग, यहाँ कितना बच जाएगा दस, दो एक्स में से एक एक्स निकाल गया, कितने एक्स बचेंगे एक एक्स, माइनस का दस एक्स बाहर निकल के सिर्फ कितना बचेगा एक, यहाँ से ऋण का एक कॉमन निकाल लिए, ऋण कॉमन निकाला को चिन्ह क्या होंगे पलट जाएंगे, ऋण वाला धन का दस एक्स और धन वाला ऋण का कितना बचा एक बराबर जीरो बचेगा। दस एक्स ऋण एक यहाँ भी, दस एक्स ऋण एक यहाँ भी, दोनों पास से कॉमन निकल जाएगा दस एक्स ऋण एक, दस एक्स ऋण एक बाहर निकल गया, यहाँ से कितना बचेगा दस एक्स, दस एक्स ऋण एक बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचेगा ऋण का एक, और बराबर यहाँ पर कितना है जीरो। एक बार शुरू वाले के बराबर जीरो, एक बार लास्ट वाले के बराबर जीरो, तो दस एक्स ऋण एक बराबर कितना जीरो, यहाँ हो जाएगा दस एक्स ऋण एक बराबर जीरो कोमा, यहाँ कितना हो जाएगा दस एक्स ऋण एक बराबर जीरो, यहाँ से एक्स का मान निकालोगे दस एक्स बराबर, बराबर किस तरफ एक ऋण का है, उस तरफ एक काय का हो जाएगा धन का, दस एक्स का हो गया दस एक्स, बराबर किस तरफ एक ऋण का है, उस तरफ जाके एक काय का हो जाएगा धन का, x का मान निकाल लेंगे x बराबर एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ 10 x के गुणे में है, पक्षांतर करो 10 काय में जाएगा बटे में, x का हो गया x, एक का एक इस तरफ 10 गुणे में, इस तरफ 10 काय में जाएगा बटे में, उतार लो। देखो अब तुम अपने आप को पूरा झोंक दो, त्रैमासिक परीक्षा है 19 सितंबर से, ठीक है, 10वीं क्लास की, अब पूरा जी जान लगाना शुरू कर दो और एक कसम खा लो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए बिल्कुल 95-98% लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है, और बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 10वीं क्लास है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा है,
कसर बिल्कुल मत छोड़ो, इतनी सी भी कसर मत छोड़ो। तुमने 9वीं क्लास तक क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, उसका मार्कशीट कोई काम की नहीं है, ना उसका रिजल्ट कहीं काम आना है। तुमको जितना भी चीज़ काम आना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास का है, 10वीं क्लास का है। पहली बोल दे रहा हूँ मैं, 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास है जिस पर तुम खुद का नाम रोशन कर सकते हो। तुम 9वीं क्लास में 99 भी बनाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10वीं क्लास में अगर तुमने 99 लेकर के आ गए, MP टॉप कर लिए, स्टेट के टॉपर बन गए, मेरिट लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम आ गया, समझ रहे हो ना, एक तरफा तुम लोग को सम्मान मिलेगा, ठीक है। अभी तुम लोग को जितने भी लोग जानते तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानते हैं, जिस दिन तुम क्लास में फर्स्ट जाओगे, जिस दिन तुम 95 से ऊपर लेकर के आ गए, 90 से ऊपर के लेकर के आ गए, लोग वक्त तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे नाम से जानेंगे कि यार ये फलाने का पापा है, फलाने की क्या है, मम्मी है, ठीक है। पूरे स्कूल तुमको पहचानने लग जाएगा, एक तरफ तुम्हारा नाम चलेगा। अभी जो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं से जो रिश्तेदार लोग बात नहीं करते थे, जब मैं 10वीं क्लास में मेरा 90% बना और जैसी वहाँ पर एक शादी में गया, मैं कहाँ पर गया, शादी में गया, पहली बोल रहा हूँ मैं, तो वो क्या बोलते मालूम है, जो ने जिंदगी में आज तक मैं से बात नहीं करो, लेकिन जब 10वीं में फर्स्ट आया तो चार लोग के सामने बड़प्पन बताने के लिए, अरे जी हमारा फलाना रिश्तेदार है अमन, इन्हें 10वीं में 90 बनाया है। बता रहा हूँ, जो बात नहीं कर रहे ना वो ही बात करना शुरू कर देंगे। आ रहा है समझ में, लिख करके दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारा खानदान में, तुम्हारे समाज में तुम्हारा एक अलग एक तरफा नाम चलेगा, तुम्हारे एक इज्जत बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अभी तुम तुम्हारे दोस्त के घर जाते होंगे तो तुमको बोलते होंगे उसके दोस्त, तुम्हारे दोस्त के माँ बाप सोचते होंगे साला फिर आ गया मेरे लड़के को परेशान करने के लिए, फिर मेरे लड़के को खेलने के लिए लेकर के जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम क्लास में फर्स्ट जाओगे तो दोस्तों लड़के लोग के माँ बाप उनके लड़के को मारेंगे। अब गमार किन मूर्ख लोग के साथ रहता है, जब उसके साथ रहे वो फर्स्ट है, क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कई लोग मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो मेरे से जलते थे, लेकिन उनके माँ बाप उनको मारते थे कि गमार तू अमन के साथ रहे, अमन के साथ तू अगर 10 घंटे भी रहेगा तो हम देखो एक शब्द नहीं बोलेंगे। आनंद समझ में, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। आनंद समझ में, मैंने मेरे क्लास की लड़कियों से कभी जिंदगी में बात नहीं करा, उनके माँ बाप भी बोलते थे कि वो अमन से कुछ सीखो, इंस्पिरेशन लेते थे मेरे से लोग बाग। आनंद समझ में, क्योंकि अपन क्या आए थे, फर्स्ट आए थे, ठीक है। जिन दोस्तों से मेरा झगड़ा था उनके माँ बाप बोलते थे कि तू 18 लोग के साथ मत घूम, किसके साथ घूम, अमन के साथ। तो नाम क्यों चमका एकदम से, क्यों चमका एकदम से नाम, क्योंकि अपन क्या करें, अपन नाम बनाए, पढ़ाई करे, ठीक है। इज्जत बहुत भयंकर की बनेगी तुम्हारी, पहली बोल दे रहा हूँ, जो मान सम्मान मिलेगा ना 10वीं% बनाने के बाद। और दूसरी बात, 10वीं में अगर तुम्हारा 95 से ऊपर % बन गया, तुम्हारी जॉब पक्की है, सरकारी नौकरी। हर साल एक भर्ती आती है पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट मास्टर की, जिसका 10वीं क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज होता है ना, उसको कोई एग्जाम नहीं देना है। मैंने भरा हूँ अभी, इसके पहले आई थी, उस समय मैं 18 साल का नहीं हुआ था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 18 साल से ऊपर का हो गया हूँ मैं, अब मैंने पोस्ट ऑफिस की भरा हूँ और उमरेड के आसपास डाल दिया हूँ। जनान तीन घंटे का काम रहेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, सरकारी नौकरी है और बैठे बिठाए मिलेगा। मतलब सोचो, मेरा एक दोस्त योगेश डोंगरे, 10वीं क्लास में उसका 94% था, उसकी तुरंत पोस्ट ऑफिस में जॉब लग गई। अब कलेक्टर की तैयारी कर रहा है वो, और 3 घंटे जाता है और 3 घंटे जा करके वो नौकरी करता है, 20,000 रुपये महीने का आराम से बिल्कुल मिल रहा है उसको, ठीक है। अपने पैरों पे क्या हो गया, वो स्टैंड हो गया। 10वीं में अगर तुम्हारा अच्छा परसेंट रहे 90 से ऊपर, तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर तुमको ये मिलेगा, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, माइनिंग सरदार बनते, जिससे क्या बनते हैं, माइनिंग सरदार बनते कोयला खान में, ठीक है। नॉन PPT का एक कोर्स होता है, वो कोर्स में तुम्हारा सिर्फ परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ITI होती है, प्राइवेट ITI में कोई मतलब, लेकिन जो गवर्नमेंट ITI होती है, सरकारी ITI, हर जिले में एक कॉलेज होता है, वहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज के बेस पे होता है, 10वीं के परसेंटेज बेस पे। 10वीं का परसेंट तुमको बहुत काम आना है, और 10वीं का परसेंटेज ही काम आना, यही एक मौका है अपने आप को साबित कर दिखाने का। और मैंने एक बात पहले कहा था कि जो कोई भी आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, जो कोई भी तुमको तुमको लग रहा है कि हमें कुछ करके दिखाना है, तुमको लग रहा है कि यार हमको कुछ सच में कुछ करके दिखाना है, एक बार, जैसे कि जे लड़का का इतना मजाक उड़ाते हैं, हर कोई मजाक उड़ाता है कि बेल है, पढ़ते नहीं आ रहा, जे नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लिखते नहीं आ रहा, ठीक है, घर में भी डांट पड़ रही, रिश्तेदारों से भी डांट पड़ रही, पढ़ रही नहीं, तो कसम खा ले एक बार कि चाहे कुछ हो जाए, 10वीं क्लास तू अगर 10वीं क्लास में तू 90 नहीं भी बनाया, तू अगर 80 से ऊपर भी टिका दिया ना,
तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, तुम लोग ने अगर अच्छा टिका दिए ना 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, 98%, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में सर झुकाएगी, पहले बोल दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा कसम खा लो, ठान लो कि कुछ जाए बिल्कुल टॉप करके दिखाना है। लेकिन तो सिर्फ ठानने से और सोचने से नहीं होने वाला, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। रोज सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, रोज सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो, रोज सुबह 4 बजे पढ़ो, रोज सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ो, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ो। जो गणित करने के लिए बैठे, मैं जब गणित अच्छा गणित करो, जब मैं गणित करता था ना, अच्छा गणित करने के लिए बैठा, 1 घंटे हो गए गणित करते करते, बैठे बैठे सब दर्द करने लग गया, नहीं फिर भी बैठना ही है, गणित करना ही है। हाथ दर्द करने लग गया, हाथ भले कितने दर्द करने लग जाए, भले कितने दर्द हो जाए, करना मतलब भले तकलीफ हो रही, लेकिन गणित करना मतलब करना है। 4-4 घंटे की कैपेसिटी बन गई थी, 4 घंटे, और 12वीं क्लास में तो 8 घंटे कुर्सी से उठता नहीं था मैं, क्योंकि एक ही जुनून था, टॉप करना है मतलब टॉप करना है, सबसे आगे रहना मतलब सबसे आगे रहना है, एक ही चीज़ की कसम खाए थे बिल्कुल, और सच में वो चीज़ हुआ भी। इसलिए बिल्कुल ठान लो कि टॉप करके दिखाना है, मतलब टॉप करके दिखाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, और अपना लक्ष्य बना लो, लक्ष्य बना के पढ़ाई करो, और दिन रात एक करना शुरू कर दो। त्रैमासिक परीक्षा के नंबर जुड़ रहे हैं तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में, आदेश आया है, पता है ना, त्रैमासिक परीक्षा भी, सोचो कि त्रैमासिक परीक्षा में 95 से ऊपर लेकर के आना है। जितनी अंग्रेजी, पूरी अंग्रेजी रट्टा लगाना शुरू कर दो, समाज विज्ञान रट्टा लगाना शुरू कर दो, गणित करना शुरू कर दो, विज्ञान करना शुरू कर दो, सब विषय याद करना शुरू कर दो। रोज 3-3, 4-4 घंटे गणित करो, रोज 2-3 घंटे विज्ञान पढ़ो, पूरे याद करके खत्म कर दो। जितना भी सिलेबस में आ रहा है, जहां जहां तक आ रहा है, पूरा कवि परिचय, लेखक परिचय, जो जो है सब कुछ, वो सब मैं भी करवाऊंगा तुम लोग को अभी, ठीक है, पूरा याद करना शुरू कर दो। संस्कृत के पूरे पाठ जो जो आ रहा है रट लो रे, पूरे लिख लिख के याद करना शुरू कर दो। स्कूल जा रहे हो, स्कूल में टाइम वेस्ट मत करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, लगन से पढ़ो। स्कूल जा रहे हो तुम, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, जैसे प्रार्थना हुई हम क्लास में जाके बैठ गए, पूरे बच्चे लोग बतिया रहा है, और मासक को आने में 10 मिनट लगता था, तो 10 मिनट मैंने खट 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 गणित के 6 सवाल का रिविजन कर लिया, अध्याय एक से उठा के कर लिया। जैसे ही मासक पढ़ाने के लिए आया, वो वाली कापी सीधे बैग के अंदर, नई कापी निकाला, खट से पढ़ा। फिर एक मासक गया, और दूसरे मासक के आने में 8 मिनट का समय लगता था, 8 से 10 मिनट का, उस समय भी खट से पढ़ लिया। समय को चोरी करना सीखो, तुम सोचो ये खट्टा टाइम मिल जा रहा हम तैयारी कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। 5 मिनट भी मिल रहा है, कोचिंग जल्दी आ गए 5 मिनट पहले, तो मैं कॉपी खोल के रिवीजन मार लिए, कल क्या पढ़े थे, अध्याय का रिवीजन कर लिए, अध्याय 2 का रिवीजन कर लिए, अध्याय 3 का रिवीजन कर लिए, कम से कम 1-1 पाठ का 10-10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए 10वीं क्लास में। अरे जब तुम एक सवाल तुम 10 बार कर लोगे, तो क्या तुमको गणित में 100 में 100 नंबर नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे ना। पूरा विज्ञान याद कर लो, सब याद कर लो, कोई कसर मत छोड़ो, बिल्कुल जी जान लगा दो। सोच लो कि अब इस बार आर या पार की लड़ाई है, इस बार आर पार ही करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है 10वीं क्लास में, कसम खा लो बिल्कुल, जाओ है ना, पढ़ाई करो।